उस वीडियो को ही हथियार बनाकर सोनाली ने बलदेव जी को घर में रहने के लिए मजबूर किया था, और वो वीडियो तो अब भी उसके हाथ में है। और मजबूर होकर ही सही, राजवीर भी सोनाली का साथ देगा और बलदेव जी भी सोनाली का फेवर करने के लिए मजबूर होंगे। पापा, आपकी पार्टी में करवा चौथ का मुद्दा तो ऐसा बन गया है मानो जैसे करवा चौथ के आधार पर ही सरकार बननी है। अब तक मुख्यमंत्री बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि कल करवा चौथ के बाद उनकी हाँ या ना सुनकर हम किसी नतीजे पर पहुंच पाए। इसी बीच जो ये भ्रष्टाचार की बातें आई है सामने, उससे हमारी पार्टी की ही छवि खराब नहीं हुई है, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं का भी उत्साह ठंडा हुआ। इससे हमारे सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लें। अरे कहाँ लेकर जा रही हो, मुझे ये तो बताओ। नाश्ता करना था, नाश्ता कर लिया। कॉफी पीनी थी, कॉफी भी पी ली। अब कहाँ जा रहे हैं हम? गप्पे मारने। दरअसल मैंने गप्पे मारने के लिए बहुत अच्छी जगह देखी है, जिसका नाम है आइसक्रीम पार्लर। मैं जब भी आती हूँ ना, मैं आइसक्रीम हमेशा खाती हूँ, पर हमेशा आइसक्रीम खाकर ही निकल जाना पड़ता है। पर आज हम घंटे दो घंटे गप्पे भी मारेंगे और तीन चार आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो। अच्छा ठीक। अरे तो अब यहाँ बैठ क्यों गई? ओफो, आइसक्रीम पार्लर बाद में भी जा सकते हैं, आइसक्रीम पिघल नहीं जाएगी। आओ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो। वैसे तुम्हारा भी आज घर पे कोई काम नहीं है? हाँ, मामला राजनीतिक है। आज शहर भर में सारी रैलियां निकली हैं। हमारे इलाके से भी एक रैली निकली। अब माँ वहां की विधायक है तो उन्हें भी रैली में रहना होगा। तो इसका मतलब ये सोच लो कि अगर तुमने छुट्टी मनाने का फैसला किया है तो मैं भी फ्री हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम घर में फोन पर किससे बातें कर रहे थे? अच्छा, तुम उसके बारे में जानना चाहती हो? हाँ, तुमने शाम को आने का इनविटेशन भी दे दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, दरअसल वो माजी से बात करने के लिए मिलना चाहती थी, तो मैंने बोल दिया कि शाम को आ जा। माजी तो शाम को ही घर आने पहुंचे। हाँ, पर वो थी कौन? अरे वो आचार्य जी की बेटी थी, ज्योति। अच्छा, आचार्य जी की बेटी को देख चुकी हूँ। प्रदीप जी, वो देखिए, निधि ने वही किया जो उसने कहा था। उसने कहा था आदित्य को घर में बैठने नहीं देगी, आखिर वो बाहर ले आई ना उसे। हाँ मैडम, हमने भी आज बहुत दिनों बाद आदित्य को हंसते हुए देखा। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चलो ड्राइवर। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रदेश की स्थिति आज बहुत ही असमंजसपूर्ण है, और देश की जनता प्रदेश की हालत को देख रही है। वो जानना चाहती है कि हमारी पार्टी का अगला कदम क्या होगा। मैं अपनी तरफ से प्रदेश की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रदेश में हम वक्त से पहले चुनाव की नौबत नहीं आने देंगे। हमारे प्रदेश को एक बार फिर भारी भरकम चुनाव के खर्चे से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि प्रदेश में हमारी सरकार फिर बनेगी। और मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए एक ऐसे आदमी का नाम सामने लाया जाएगा जो सबका विश्वास पात्र होगा। देखिए, हम जानते हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। आप अपने प्रश्न एक एक करके रखिए, मैं और आचार्य जी मिलकर उनका उत्तर देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपकी पार्टी शारदा देवी को मुख्यमंत्री पद देना चाहती है, जबकि शारदा देवी ने अब तक हामी नहीं भरी है, इसलिए पार्टी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की। देखिए, इस प्रदेश के लिए हमें एक ईमानदार और बहुत ही अच्छे छवि वाले नेता की आवश्यकता है, और उसके लिए हमारे पास कई विकल्प, बस निर्णय होना बाकी है। जैसे ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे
आपको खबर दे दी जाएगी। पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा है कि शारदा देवी ही मुख्यमंत्री बनेगी। इसका मतलब साफ है कि पार्टी ने भी शंकर प्रसाद को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला कर लिया है। देखिए, पार्टी तमाम लोगों से मिलकर बनती है, उसमें बहुत से विधायक भी होते हैं जिन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है। किसी नेता से अगर कोई विधायक असंतुष्ट है तो हमें उसकी बात भी सुननी पड़ती है। समर्थन वापस लिए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन क्या बात है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया? कि भारत की नैतिकता और संविधान को भूलकर अब तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? धन्यवाद। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले जनता जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ आचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने सारा दोष शंकर प्रसाद के ऊपर डाला है कि शंकर प्रसाद ने पार्टी की मर्यादा, नैतिकता, संविधान को भूलकर अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जो अब तक उन्हें दे देना चाहिए था। इसे कहते हैं खतरा बाहर के दुश्मन से ज्यादा घर के दुश्मन से होता। यही हालत इस पार्टी की हो चुकी है। विरोधी तो कम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर के लोग ही ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों का जवाब तो मुख्यमंत्री जी के पास भी नहीं होगा। सब अपना अपना पद बचाने में लगे हुए, और मैं खुद ये सोचकर परेशान हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये आप क्या कह रही है मैडम? वही कह रही हूँ शांतिलाल जी जो सही है। पार्टी शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिसे मैं फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर शारदा देवी मुख्यमंत्री नहीं बनी तो प्रदेश में चुनाव का ही विकल्प बन जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं अगली बार मैं चुनाव जीत पाऊंगी या नहीं। कह तो आप ठीक रही है मैडम। असमंजस तो इसी बात का है कि 15 साल के संघर्ष के बाद मुझे ये विधायक का पद मिला है, और मैं 15 महीने भी इस पद का फायदा नहीं उठा पाई। अब दो ही रास्ते बचे हैं, एक तो ये कि मैं शारदा देवी को मुख्यमंत्री बन जाने दूं और उन्हें अपना भी समर्थन दे दूं, और दूसरा रास्ता ये कि मैं कुछ भी करके शारदा देवी को मुख्यमंत्री ना बना पाऊं और अपना भी विधायक पद। दो दिन पहले मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन आपसे बोलना मैंने ठीक नहीं समझा। और सच कहा जाए तो परिस्थितियां यही कह रही है कि अपने पद को बचाए रखने के लिए और अपने इलाके में जनता के बीच अपने आप को मजबूत करने के लिए आपको वक्त की जरूरत है। आपको विधायक बने रहना जरूरी है, और उसके लिए शारदा देवी से दुश्मनी को भूलकर आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि प्रदेश में सरकार बने। आप ठीक कहते हैं शांतिलाल जी, अगर मैं इस पद पर कायम रही तो बहुत से मौके आएंगे शारदा देवी के साथ अपनी दुश्मनी निभाने के, लेकिन आज जो राजनीति की बिसात बिछी हुई उसकी चाल तो यही है कि मैं शारदा देवी को मुख्यमंत्री बन जाऊं। अभी थोड़ी देर पहले जनता जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ आचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने सारा दोष शंकर प्रसाद के ऊपर डाला है कि शंकर प्रसाद ने पार्टी की मर्यादा, नैतिकता, संविधान को भूलकर अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जो अब तक उन्हें दे देना चाहिए था। देखो, ये है आचार्य जी, खुल्लम खुल्ला मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। मुझे सामने से बात करो तो ऐसे बात करेंगे जैसे हमसे ज्यादा अजीज कोई है ही नहीं। सारे रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं मुख्यमंत्री जी, और जिसे आप रिश्ता समझ बैठे हैं वो तो बस सत्ता और राजनीति का रिश्ता है, और राजनीति में उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई नहीं। लेकिन दलन, ये तो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है ना। ठीक कह रहे हैं आप,
कौन किसके पीठ में चूरा भोग दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तक तो गरिमत थी, लेकिन अब तो आचार्य जी के इस बयान से जनता के बीच में आपकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। मैं भी यही महसूस कर रहा हूं ललन कि ये आचार्य जी मेरी छवि मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। अब आप उनके काम के लायक नहीं रहे ना मुख्यमंत्री जी, चारों तरफ से आपको ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सुनने में ये भी आया मुख्यमंत्री जी कि आपके इस्तीफा ना देने की वजह से कोई जनहित याचिका भी दायर होने वाली है और इसके पीछे भी किसी मंत्री का ही हाथ होगा। मैं क्या करूं ललन, मैं क्या करूं? मुझे तो अब एक ही रास्ता नजर आता है कि आपको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो जनता के बीच आपकी छवि खराब हो जाएगी और फिर आप कभी जनता से वोट नहीं मांग पाएंगे। और इसके पहले भी कुछ मंत्रियों ने ऐसा किया था, देख लीजिए उनका हश। ठीक है, लेकिन इन सारे मामलों पर मैं एक बार आचार्य जी से जरूर बात करूंगा, जाकर मिलूंगा आचार्य जी से। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, बिगड़े हुए रिश्तों को बनाने के लिए आपको आचार्य जी से मिलना ही होगा। आचार्य जी के इस बयान से तो विरोधी लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। मैं इसी वक्त चाहता हूँ ललन आचार्य जी से मिलकर आता हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है सक्सेना जी। आचार्य जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों से ये बात तो साफ हो गई कि उनके मंसूबे, उनके मकसद और उनके समीकरण सभी बिगड़ने लगे। शायद आचार्य जी को ये बात समझ में आने लगी है कि शारदा देवी जी मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शारदा देवी का नाम लेने की हिम्मत नहीं की। तभी पत्रकारों के खुल के पूछने के बाद भी वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे और हम तो ये सोच रहे थे कि कहीं माने आचार्य जी को इस बात के लिए समर्थन ना दे दिया, कहीं उन्हें रजामंदी ना दे दी। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि माँ ने उन्हें रजामंदी नहीं दी। लेकिन इतना भी तय है राजवीर बाबू कि आचार्य जी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, वे दूसरे किसी विकल्प की तलाश में होंगे। अब सवाल ये है कि वो दूसरा विकल्प कौन सा हो सकता है जिसके लिए सभी विधायक अपना समर्थन दे दें। ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा। बस एक बार मामला ठीक से बिगड़ जाए, सरकार भंग हो जाए और चुनाव की नौबत आ जाए, फिर ये जो राकेश झा पाला बदलने की फिराक में नजर आ रहा है ना, सीधे बलदेव जी के पाले में नजर आएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सक्सेना जी। आप अभी पापा के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं ना, एक काम करिए, आप उन्हें जाकर बताइए कि आचार्य जी की पार्टी के क्या हालात हैं, वो उसी हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करेंगे। अरे राजवीर बाबू आप फिक्र मत कीजिए, अरे मंत्री जी जहां भी रहते हैं उन्हें पल पल की खबर रहती है। अगर वो गाड़ी में भी होंगे ना तो अपने मोबाइल में वो आचार्य जी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिया होगा। अच्छा राजवीर बाबू मैं निकलता हूं वरना देर हो जाएगी। बलदेव जी की रणनीति को नाकाम करने के लिए हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, मगर आपके इस्तीफा न देने से पार्टी की छवि खराब हो रही है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के साथ साथ आपकी छवि भी खराब हो रही है। जिंदगी भंवर है। आप आदित्य को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते हैं, तभी तो उसे निधि के साथ में देखकर आप कितना खुश हो जाती हैं। अब ठीक कह रहे प्रदीप जी, आदित्य भी तो मुझे अपनी माँ मानता है, उस लड़की का साथ पाकर कम से कम आदित्य तो खुश नजर आ रहा है, आपने तो देखा ही होगा है ना। ये देखो आ रहा है, आओ बेटा बैठो। अभी अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ घूम के आए तुम लोग? आज हम लोग खूब घूमे।
नाश्ता किया, लंच किया, यहाँ तक कि आइसक्रीम भी खा ली। हम लोग घूम तो यहाँ वहाँ रहे थे, पर इनका ध्यान तो फिर भी उन्हीं बातों में था कि आज आचार्य जी कॉन्फ्रेंस लेने वाले। मेरा ध्यान इन पर था और इनका ध्यान फोन पर। तो आज इस राजनीति ने तुम दोनों को भी डिस्टर्ब कर दिया। नहीं माँ जी, प्रदेश के जो हालात हैं उन बातों को भूला भी तो नहीं जा सकता। और मैं तो ये सोच रहा था कि आचार्य जी आज ही आपके नाम की घोषणा कर देंगे। लेकिन आंटी जी की रजामंदी के बिना घोषणा कैसे कर सकते हैं? आचार्य जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बलदेव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, देखते हैं अब वो क्या कहते हैं। नमस्कार। देखिए, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि कुछ दिनों से कई लोग हमारे पारिवारिक जीवन में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी करवा चौथ मना रही है। इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। देखिए, करवा चौथ हर घर में मनाया जाता है, लेकिन हमारे घर में मनाए जाने वाले करवा चौथ पर कटाक्ष किया जा रहा है। न जाने किस तरह की सोच है लोगों की। करवा चौथ हमारी परंपरा है, महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है वो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करवा चौथ को भी राजनीतिक रंग देने के लिए तैयार बैठे। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग महिलाओं के अधिकार, उनकी आजादी को नहीं समझ सकते, तो वो उनके जज्बात क्या समझेंगे। मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी जो करवा चौथ मना रही है, उसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया इन लोगों ने। न जाने कैसे कैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मैं अपनी धर्मपत्नी को पानी पिलाने जाऊंगा या नहीं। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, और ये राजनीति ये तो सिर्फ एक जन्म की है, एक जन्म। शारदा देवी मेरी धर्म पत्नी है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं उन्हें पानी पिलाने जरूर जाऊंगा। वो एक पत्नी होने का धर्म इस व्रत को करके निभाएंगे, तो फिर मैं एक पति होने का धर्म क्यों नहीं निभाऊंगा। जिसे जो भी समझना है वो समझ ले। राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन मैं अपना फर्ज नहीं भूलूंगा, और मैं ना ही किसी को गलतफहमी में रखना चाहता हूं। हां, यह बात सच है कि कुछ घरेलू मनमुटाव की वजह से शारदा देवी हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन हमारे रिश्ते अभी भी कायम हैं। कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर और जज्बाती तौर पर। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार देवव्रत जी। आइए मुख्यमंत्री जी, विराजिए। अब काहे का मुख्यमंत्री आचार्य जी, अब तो अपना नाम और सम्मान तक बचाना मुश्किल हो गया है। अब तो इस राजनीति से ही विश्वास उठ गया है आचार्य जी। मन बहुत दुखी हो गया है। देखिए, आप अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी दुखी कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आप ऐसी जिद पर क्या आ गए। आप इस्तीफा ना देकर लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। मेरे इस्तीफा ना देने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, और वो ये कि मुझे लगता है कि मेरे इस्तीफा देने के बाद कोई भी सरकार नहीं बन सकता। बलदेव सिंह की रणनीति दोबारा चुनाव कराने की है आचार्य जी।
शंकर प्रसाद जी, बलदेव जी की रणनीति को नाकाम करने के लिए हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, मगर आपके इस्तीफा ना देने से पार्टी की छवि खराब हो रही है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के साथ साथ आपकी छवि भी खराब हो रही है। इससे जनता ये सोचेगी कि आपने ये कुर्सी किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि अपने उसूलों की खातिर छोड़ी, इससे पार्टी और आपकी छवि जनता के दिल में बरकरार रहे। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा अगला कदम क्या हो। जिंदगी का भंवर है, पता नहीं कब क्या कुछ कैसे हो गया। हो सकता है कि सरकार चलाने के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी सरकार ही गिरा दी। देखिए, आपको ये अच्छी तरह जानना चाहिए कि ये सारी चालें बलदेव सिंह की चली हुई हैं, और आप उनके बिछाए हुए जाल में खुद ब खुद फंसते चले जा रहे हैं। देखिए, बलदेव सिंह पार्टी की छवि खराब कराकर प्रदेश में चुनाव कराना चाह रहे हैं, और आप भी अनजाने में वही भूल कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी, अगर चुनाव हुआ तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आपकी वजह से पार्टी बदनाम हुई है और जनता में आक्रोश है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इसका सीधा फायदा बलदेव सिंह को होगा, और अगर उनकी सरकार बन गई तो उसके कहर से बचने के लिए ना तो आपके पास कोई साधन होगा और ना ही कोई रास्ता। जब हम पावर में ही नहीं होंगे तो ना आप कुछ कर पाएंगे और ना हम। आप हमारी पार्टी के विधायक, तो आपकी सबसे पहली सोच यही होनी चाहिए कि सरकार हमारी पार्टी बनाए। अगर हम पार्टी बनाएंगे तो बचने के मौके भी होंगे। आप ठीक कह रहे हैं देवराज जी, मैं अच्छी तरह समझ गया। आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप जाकर इस्तीफा दीजिए, इससे जनता ये सोचेगी कि आपने ये कुर्सी किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि अपने उसूलों की खातिर छोड़ी, इससे पार्टी और आपकी छवि जनता के दिल में बरकरार रहे। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि मीडिया वालों के सामने मैंने खुद कहा है कि मैं तुम्हारा व्रत खुलवाने आऊंगा, तुम्हें पानी पिलाने आऊंगा। जो आपकी जबान पर आया आपने कह दिया, और जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं कह रही हूं। आप मुझे पानी पिलाने नहीं आए, आपको यहां आने की जरूरत नहीं है।